छात्र छात्राएं यहाँ आए हुए हैं, उनसे कुछ सवाल ले लेते हैं। साहिल, आपका प्रश्न क्या है, आप कर सकते हैं। हम कैसे आंसर देंगे जो सर हमारा मतलब सही चेक होगा और बढ़िया से अंक मिलेगा? बात होता है यहाँ पे आपका है जो क्वेश्चन है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करूँ कॉपी में, है ना, एग्जामिनेशन में, ताकि मुझे वो मैक्सिमम मार्क्स आ सके, है ना। तो सबसे पहले होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको सही तरीके से समझें, उसके बाद उसका जो सटीक आंसर है वही लिखें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब आलतू फालतू का चीज़ें भी कॉपी में लिख देते हैं, सोचते हैं कि मैं बड़ा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। ये सब कुछ नहीं है। अगर एग्जामिनर ढंग से चेक कर रहे हैं तो आपके फैक्टर्स को चेक करेंगे कि आपने क्या लिखा है, वो जो लिखना है वो सही आप लिख पाए हैं कि नहीं, उसको रिप्रेजेंट कर पाए कि नहीं है, है ना। हर क्वेश्चन का एक प्ररूप होता है, ऐसा नहीं आप जब भी क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसको पैराग्राफ में डिवीजन करिए। डिवीजन करने का मतलब है आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसका मूलतः रूप में एक पैराग्राफ में रखिए, उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसको अलग पैराग्राफ में डालिए, तो उससे आपका कोई भी क्वेश्चन है जो कि उसमें क्या बोल सकते हैं, एक तरह से निखार आएगा, ठीक है, और आपको अच्छे से मार्क्स उसमें आ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को लिखने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए कि हमें पहले किस चीज़ को लिखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है हैंड राइटिंग फैक्टर होता है एग्जामिनेशन में, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे लिखें, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती है। जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन आपको टाइम स्लॉट देती है उतना इनफ होता है आपको लिखने के लिए, ठीक है। ऐसा लिखा होना चाहिए जिससे साफ साफ समझ में आए एग्जामिनर। हाँ, एग्जामिनर को हमेशा साफ नजर आना चाहिए कि बंदे ने जो लिखा है वो सही लिखा है और वो क्लियर दिखे। चलिए आपका सवाल। सर, जनरली पूरे साल हम लोग मैथ और साइंस पर फोकस करते हैं, लेकिन सर जनरली बात ऐसा है कि सर जब एग्जाम के टाइम में हो तो हम खास करके हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री को प्रिपेयर अपने आप को कैसे करें उसके लिए, मतलब ऐसा होता है कि जब मैंने स्टडी किया तो वो समझ में आ गया, लेकिन मैं इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता हूँ कि जब सामने से मॉडल पेपर बना रहा हूँ या फिर कुछ ऑल्सो प्रीवियस सोल पेपर देख रहे हैं तो उसका मतलब उसका क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो सटीक है और उसके लिए अच्छे हैं। तो सर उसके लिए मैं इस खास करके हिस्ट्री के लिए मैं अपने आप को कैसे तैयार करूँ? सबसे पहली बात होती है, अगर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं जिस भी हिस्ट्री हो, इस एसएसटी में कोई भी पार्ट्स हो, ठीक है, या फिर इवन कोई भी सब्जेक्ट का बात करें, ठीक है, जो लिटरेचर बेस्ड है, तो उसमें जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उसके जाने से पहले जो अभी का पीरियड है उसमें क्या करना है आपको कि जो प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है वो आप अभी तक जो भी पढ़े हैं उसको अपने खुद से उसको लिखने की कोशिश करिए अभी से ही घर में, क्योंकि अचानक से मेरे मेमोरी में बहुत कुछ है लेकिन मैं कितना कॉपी में लिख रहा हूँ ये बात वहाँ पे जाता है। तो डायरेक्टली आप कभी लिखे नहीं हैं और डायरेक्ट एग्जाम में जा रहे हैं तो दिक्कत होती है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप डेली उसके लिए टाइम स्लॉट डिवीजन करिए कि इतने टाइम तक मुझे कुछ क्वेश्चन जो उठाना है क्वेश्चन बैंक से और उसे अपने खुद कॉपी में सोल्व करना है, लिखना है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि हमको कॉपी में लिखना कैसे है, वो सेल्फ क्या बोल सकते हैं उसको प्रैक्टिस अभी से करिए, तो वहाँ पे जाके हेजिटेशन दूर हो जाएगा कि आप वहाँ पे लिखने का जो हेजिटेशन होता है कि हम क्या लिखे नहीं लिखे वो भूल रहे हैं, ये लिखूं कि वो लिखूं, बहुत सारा मन में आती है, तो ये हेजिटेशन तभी दूर होगा जब पहले से आप घर में प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा। तो मेनली चीज़ आपका प्रैक्टिस मतलब कि ऐसा होता है कि एसएसटी का क्वेश्चन है आप उसे याद कर लिए, ठीक है, तो याद तो है लेकिन लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, वहाँ पे जाके याद बहुत कुछ है जाते जाते भूल गया कुछ, है ना। तो आप घर में बैठिए और उसको लिखिए, पहले घर में ही प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूँ घर में, वो आपका फिर धीरे धीरे वो मतलब आप उससे हो जाइएगा कि वो आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि लिखना कैसे, कन्फ्यूजन दूर होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लिखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस पहले से ही, जैसे सपोज मान लीजिए घर में ही बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, मान लीजिए कि आप मैं बोर्ड का एग्जाम अभी दे रहा हूँ, उस बेसिस पे आप लिखने बैठ जाइए, तो जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा कि हम कहाँ लैक, आपका लैकिंग पॉइंट पता चलेगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं,
कहाँ आपकी कमजोरी है उसके अनुसार से फिर से आप प्रैक्टिस करिए। चलिए सर अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो मतलब 10th का एग्जाम बहुत नजदीक है तो हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो किस तरह से पढ़ाई का प्रिपरेशन करें जिससे कि मतलब बेटर मार्क्स ला सके, और क्या सही टाइमिंग है याद करने का और पढ़ने का हम लोग का? हाँ, बात होता है यहाँ पे टाइमिंग, पढ़ने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा आदमी का होता है कि नहीं मुझे कंसंट्रेशन तभी बनता है जब मेरे सामने कोई ना हो। ठीक है, मतलब मैं फ्रीली रूप से पढ़ सकूं, तो वो, या फिर बहुत सारा आदमी को होता है कि नहीं मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं पढ़ लूंगा तो मुझे कंसंट्रेशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके इच्छा अनुसार, मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो अकेले में पढ़ना चाहते हैं, सामने बहुत सारा अगर आदमी दिखता है, शोर होता है, शोरगुल होता है, तो कंसंट्रेशन लैग कर जाता है उनका, तो उनके लिए है कि वो नाइट में स्टडी करें। ठीक है, और बहुत सारा आदमी को होता है कि नहीं वो मॉर्निंग में ज्यादा प्रिफर करते हैं, रात में पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आने लगती है, बहुत सारा चीजें होती है, तो वो मॉर्निंग में उठ के ज्यादा बेटर होगा कि ज्यादा पढ़े। तो एक चीज होता है याद करने वाला चीज होता है, दूसरा चीज लिखने वाला चीज होता है, ये प्रैक्टिस वाला चीज होता है, तो लिख के कर सकते हैं। एक होता है कि लिटरेचर पेपर है तो उसे याद भी करना है और लिखना भी, तो बताया कि अभी जैसे इन्होंने पूछा उसके लिए बोला मैं कि लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो याद करने वाला जो चीज है वो आप ऑब्वियसली बात उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो आगे पीछे जो भी चीज है वो शांत वातावरण ही होगा तभी आपका कंसंट्रेशन ज्यादा बन पाएगा। सब सिंपल बात, अगर आपका कंसंट्रेशन कम होता है उस टाइम जब आप पढ़ते हैं, वहां स्टडी टेबल पे एक बोतल पानी रखिए, जब भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज होता है तो वहां से पानी उठाइए पी लीजिए दो घूंट। ठीक है, आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और अलग एनर्जी आएगा, फिर अगेन आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के लिए सही टाइम होता है रात में भी पढ़ सकते हैं या मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जितना मॉर्निंग में उठ सकते हैं वो रिफ्रेश टाइम होता है, मतलब कि कोई भी दिन भर का तो दिनचर्या होता है, बहुत सारा आदमी को होता है दिन भर में बहुत सारा चीजें माइंड में घूमते रहता है, दिन भर चीज जो देखे हैं उसको वो घूमते रहता है, तो सुबह में उठिएगा माइंड एकदम रिफ्रेश रहेगा, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं रहेगी, तो उस टाइम आप याद कर सकते हैं उस चीज को, तो ज्यादा वो आपका इफेक्टिव होगा या परमानेंट सेट भी हो सकता है। मतलब सुबह का टाइम सबसे अच्छा बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, पर अगर आपका फोकस जिस समय ज्यादा अच्छा रहता है उस समय आप स्टडी करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप पूछ सकते हैं। सर हम पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई भी चीज याद करते हैं तो फिर हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम टाइम लिखने टाइम, तो फिर कैसे उसको प्रिपेयर करें? एग्जामिनेशन जो आपका, जैसे ये जिंदगी का पहला पड़ाव है, क्लास 10th होता है जिंदगी का पहला पड़ाव, इसके बाद से क्लास 10th फिर 12th ये सब आता है। ठीक है, तो पहले पड़ाव में होता क्या है कि आपने स्कूल का एग्जामिनेशन बहुत दिया है, बोर्ड नहीं दिया इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है, ये डर कुछ नहीं है, सिंपल जैसे आप एग्जाम देते हैं उसी व्यू से इसको लीजिए। ठीक है, मेन है भूलने का जो बीमारी है ना वो प्रैक्टिस, आप लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं इनके बारे में बोला था, इनके क्वेश्चन का जवाब दिया था कि जब भी आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको फिर से लिखिए उस क्वेश्चन को itself, खुद से लिखे बिना देखे हुए, कॉपी किताब बंद कर दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको लिखने की कोशिश करिए, क्या आप जो अभी जो आप पढ़े हैं वो लिख पाते हैं कि नहीं। अगर लिख पाते हैं सही रूप में तो दैट मीन्स आपको वो अच्छे मार्क्स दिला सकता है। याद कर लेना अलग चीज होता है, लिखना अलग चीज होता है, तो आप लिख के प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आजकल जैसे साइंस में बात करूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसमें कुछ नॉमरिकल्स भी होते हैं, है ना, नॉमरिकल बहुत बड़ा फैक्टर हो गया बच्चे के रूप में, कैसे बनाए, बनता नहीं है, बहुत सारे बच्चे के प्रॉब्लम आती है, तो नॉमरिकल्स बनाने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक लाइन में क्या डाटा दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ उसको लिखिए, जितने सारे लाइन्स है वन बाय वन पढ़ के उसमें दिए हुए डाटा को लिखिए, और क्या आपका डिमांड है क्वेश्चन का, क्या आपसे मांग रहा है, क्या निकालना है उसको देख लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो आप माइंड में सर्कुलेट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला डाटा के अनुसार से फिट बैठ रहा है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपका आंसर सटीक आएगा। नॉमरिकल हमेशा आप जब भी बनाइए तो ध्यान रखिए SI यूनिट्स का, है ना, SI मात्रक जिसको हम बोलते हैं, SI मात्रक का हमेशा ध्यान रखिए कि जो गिवन डाटा है उसको हम SI मात्रक में पहले बदल लें, तब आप आगे प्रोसीड करें। हो सकता है कुछ डाटा आपका SI मात्रक में हो या SI यूनिट्स में हो और कुछ ना भी हो, तो
तो आपका सबसे पहले कन्वर्सन होता है कि एसआई मात्रा को उसे चेंज कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें। नहीं तो बच्चा क्या होता है कि कुछ एसआई मात्रक में जो दिया हुआ वहां से उठाएं, एसआई मात्रक में है तो कोई सीजीएस में है तो पुट कर दे, दोनों क्वेश्चन मिक्स हो गया, आंसर कुछ गलत आ गया। तो ऐसा नहीं करना, सबको पहले इंटर कन्वर्सन कर लेना एसआई मात्रक में, उससे उसके बाद ही आप उसे फॉर्मूले पे में अप्लाई करिए, आपका डेफिनेटली न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बनेगा और बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये सोच के नर्वस मत होइए कि ये बोर्ड परीक्षाएं हैं तो ये बहुत दिक्कत करेगी आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं करती, जैसे आम एग्जाम होते हैं वैसे ही आपकी बोर्ड की परीक्षाएं भी होती हैं। अच्छा सर, ये तो माध्यमिक परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं वो तो हैं, पर माध्यमिक परीक्षा के बाद भी स्टूडेंट अभी से सोचने लगते हैं कि आगे हमको क्या करना है और उसके लिए हम किन किन चीजों पर अभी से फोकस करें। आफ्टर टेंथ सब बच्चे का अपना अपना रुचि बोल सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की तरफ उनका ज्यादा रुझान है। जी। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे गार्जियन प्रेशर भी देते हैं कि बच्चा को नहीं, बच्चा को मुझे इंजीनियर बना देना है, बच्चे को मुझे डॉक्टर बना देना है, बच्चे को ये करा देना है, बच्चे को करा देना है। अगर उसका कंसंट्रेशन उस पर नहीं है तो कभी बच्चा उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता है। इससे होता क्या है सर कि जैसे ये छात्र छात्राएं जो अभी हाईस्कूल की परीक्षा देंगे उससे पहले ही इन्होंने सोचा होता है कि हमें आने वाले अगले क्लास में किस सब्जेक्ट में हमको जाना है, और माता पिता कुछ और सब्जेक्ट सोच के बैठते हैं बच्चों के लिए, और वो बात अगर इनको पता चलती है तो उससे इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है एग्जाम के टाइम पे, उससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इस विषय पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी के टाइम में जो पेरेंट्स है, गार्जियन जो है, उनको ये सब टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए। नहीं। उनको फ्रीली रूप से छोड़ दीजिए पढ़ाई करने के लिए कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो, बाद की चीजें बाद में देखेंगे। ठीक है, अब तो पेरेंट्स का ये होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम में ये नहीं करना है कि आगे तुमको ये करना है, ये बात बिल्कुल ना करें, बस ओनली उन्हें एग्जाम पे फोकस करवाए, जितना से ज्यादा पढ़ाई कर सके वो फोकस कर सके अपने एग्जामिनेशन पे। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि ये अगर बातें, और अभी जैसे बच्चे जो जिनके भी घर में क्लास टेंथ के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन दे कर रहे हैं बोर्ड के लिए, घर में ज्यादा आप अलग मैटर की बातें न करें तो बेहतर होगा आपके बच्चे के भविष्य के लिए, है ना। हमारे जो ये छात्र छात्रा है ये भी कुछ अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं आपसे, आपको पूछना है जो वो आप पूछ सकते हैं। सर, टेंथ के बाद हम क्या तैयारी करेंगे जो आगे हमारा जिंदगी बेहतर अच्छे से बीत सके। देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चीज होता है कि हमारा इंटरेस्ट ऑफ बे, आपका रास्ता किधर अच्छा लग रहा है, मतलब आप किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। yes. ठीक है, उस हिसाब से आप अपने करियर को आगे बढ़ाइए। बहुत सारे पेरेंट्स मैं बोला कि दबाव में दबाव देते हैं कि नहीं आप ये कर लीजिए, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आप वो हो जाएगा कि आपके मन में हमेशा चलता रहता शायद ये फेज में जाते या इस सेक्टर में जाते तो मैं अच्छा कर लेता, इस सेक्टर में मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा बात होता है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, उसी एरिया से रिलेटेड आप क्लास टेंथ के बाद अपने कैरियर का चुनाव करें, है ना। किसी का होता है कि मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है उनको मैथ सेक्टर चूज करना पड़ेगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है पेपर। जिनको मेडिकल लाइन में प्रिपरेशन करना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उनको ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजी लेना पड़ेगा। बहुत सारे होते हैं कि नहीं हमें अकाउंटेंसी में जाना है, अकाउंटेंट के रूप में सीए करना है, तो उनको कॉमर्स के फॉर्म में जाना पड़ेगा। बहुत सारे होते हैं कि नहीं हमें सिंपल आर्ट्स से कर लेना है और उसके बाद हम पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करना है या फिर एसएससी पे प्रिपरेशन करना है, तो आर्ट्स ले सकते हैं। या फिर उनसे अलग भी होती है टेक्निकल लाइन। टेक्निकल लाइन आफ्टर टेंथ आप अभी हर प्रखंड लेवल पे गवर्नमेंट ने आईटीआई खोल के रखी है, ब्लॉक लेवल पे डिप्लोमा कॉलेज खोल के रखी है, तो वहां से आप अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, तो वहां पे आप जा सकते हैं। सर, यदि जर्नलिस्ट का तैयारी करना हो तो सर? तो सिंपल, पहले तो आपको 11 12 तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है, बहुत सारे मास कम्युनिकेशन और बहुत सारा चीजें होती है, वो तो आफ्टर 12th की बात हुई। तो पहले तो 12th फोकस करना है कि 12th में मैं कैसे अच्छा करूं। ठीक है सर, हम क्लास 10th के बाद आईआईटीएन इंजीनियर बनना चाहते हैं सर, क्या इसमें इंजीनियरिंग में इसका मेरा मतलब बेहतर स्कोप हो पाएगा या नहीं भी? देखिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है और बहुत ऊपर सोच है। ठीक है, जो आईआईटी एग्जाम है
वो इंडिया की इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन है, या फिर बोल सकते हैं आईआईटी का जो कॉलेजेस है वो इंडिया की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ठीक है। उसको प्रिपरेशन के लिए आपका सबसे पहला चीज है जो मैथ पेपर, मैथ होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा, जिसमें से मैथ तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबका जो एग्जामिनेशन होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इक्वल इक्वल पार्ट्स में होते हैं, इक्वल इक्वल मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पेपर को आपको अच्छे ढंग से आफ्टर 10 जितने भी आप क्लास 9th, एक चीज होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आफ्टर 10th एग्जामिनेशन के बाद आप घर में बैठे ना, क्लास 9th और 10th की जितनी सारी बुक थी आपकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी का एडवांस वर्सन आपको 11th और 12th में पढ़ना है, ठीक है। अब बात आया कि आईआईटी इंजीनियरिंग की, है ना, आईआईटी भी है, एनआईटीज भी, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आपको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इंजीनियरिंग करें, गवर्नमेंट से कॉलेज से करें, आईआईटी से करें, एनआईटी से करें, वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊंचे तक ले जा सकते हैं अपने आप को, ठीक है। वो हमेशा आपका मेहनत साथ देगा, आपका आपकी मेहनत ही आपके लिए। अगर आपका सोच बड़ा है तो मेहनत भी बड़ा, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। आपका सवाल, हम साइंस लेना चाहते हैं 10th के बाद सर, तो वो मेरे लिए बेटर होगा या नहीं? साइंस में देखिए, साइंस में दो चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, दो सेक्शन में बचता है, पीसीएम और पीसीएमबी और पीसीबी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ मैथ लेते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और एक्स्ट्रा में हिंदी इंग्लिश जो भी रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में बायोलॉजी और मैथ भी रखते हैं ऑप्शनल में, या मैथ मेन पेपर और बायोलॉजी ऑप्शनल में रखते हैं, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मान लेते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करना चाहते हैं तब पर भी वो साइंस लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम ग्रेजुएशन लेवल से जो एसएससी होते हैं और भी रेलवेज का एग्जाम होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ये साइंस पेपर हेल्पफुल होता है, है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट आएगा आपका जीएस, वहाँ पे एग्जामिनेशन में जनरल साइंस होता है, जनरल स्टडीज होता है, ये सब वहाँ पे आपका यूजफुल होगा कम्पिटिटिव लेवल। तो अगर आप 11, 12 साइंस से किए रहते हैं तो आपका ऐसी बात है दिमाग थोड़ा सा विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिससे कि आपको हर एग्जामिनेशन या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल मिलेगा। तो अच्छा बात है कि आप साइंस लेना चाहते हैं, अच्छे जो भी बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जो अपने आप को डेवलप कराना चाहते हैं वो साइंस जरूर पसंद करते हैं। चलिए अब जल्दी से आपसे सवाल लेते हैं। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब 10th के बाद कॉमर्स लेना है तो उसका मतलब बेटर स्कोप क्या होगा? 10th के बाद कॉमर्स, आजकल देखते हैं क्या हम लोग देख रहे हैं कि नए नए आ रही है, नए नए कंपनियां आ रही है यहाँ पे, तो हर एक कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्वियस बात है वो कॉमर्स वाले को ही उठाएंगे लेंगे। तो आजकल क्या हो रहा है कि बिजनेस डेवलप कर रहा है, बिजनेस फील्ड में सब लोग जा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं या अपने अपने छोटे छोटे खोल रहे हैं, तो उनको एक न एक अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो या फिर बहुत सारे का ड्रीम होता है कि नहीं मैं सीए बनूं, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, या फिर अकाउंटेंट के रूप में कॉमर्स से फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टेज भी निकलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, ठीक है। तो वहाँ भी आपका स्कोप बहुत बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि अभी के ट्रेंड में थोड़ा सा चल चुका है कि आप कॉमर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे लोग, है ना, क्योंकि ये जो बिजनेसिंग का चीज़ है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे इंडिया में। पहले सिर्फ ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में ही ज़्यादा रुझान था, लेकिन अब बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में भी रुझान आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमर्स ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट ऑफ पाथ है वो कॉमर्स लाइन। तो आप लोग हर एक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, बस ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और छात्र छात्राओं को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी।